नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए एचबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घर वापस भेजने के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के दूसरे दिन सूरत से गुजरात राज्य सड़क परिवहन की बस द्वारा 22 मजदूरों को विजयनगर लाया गया। विजयनगर सिविल अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर बलात की निगरानी में सभी की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 3 लोगों का टेम्परेचर अधिक होने के कारण उन्हें अस्पताल में ही भर्ती किया गया और बाकी के लोगों को अपने घर में होम क्वारंटाइन होने के लिए तहसीलदार ने सूचित किया है। विजयनगर तहसीलदार पीजी चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर एसएम चौहान को सूचित किया। सूरत से आए प्रवासी मजदूरों को अपने ही घर में होम क्वारंटाइन करके उनकी देखभाल करने के लिए सूचित किया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने भी सभी स्वास्थ्य चिकित्सकों को अपने इलाके में आए सूरत प्रवासी मजदूरों को अपनी निगरानी में रखने के लिए सूचित किया है। आप देख रहे हो एचबीएन न्यूज चैनल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये विजयनगर तहसील के अंदर आज सूरत से पर प्रांतियों लेकर गुजरात गवर्नमेंट की बस आ चुकी है। यहाँ कितने पैसेंजर है वो हम प्रशासन को पूछताछ करेंगे, पुष्टि करेंगे, उसके बाद हम आपको जानकारी अधिक जानकारी देंगे। लेकिन उन सभी पैसेंजर को अभी विजयनगर के सिविल अस्पताल में ले आ गया है, जिसके अंदर सभी पर प्रांतियों को स्कैनिंग करके उनका इंतजाम कर दे है, वो हमको आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन ने किस तरह से तैयारी की हम प्रांति के लिए? आज रोज सवार में वहली सवार में सूरत थी बस में श्रमिकों द्वारा आज हम आवेला था विजयनगर तालुका में अने जीवो नहीं विजयनगर सिविल में एमने तपास करा, मेडिकल तपास करा आवेल छे। जे पैकी 3 व्यक्ति ने डिफ्रेंसर वधु होवाथी तेने वधु सारवार माटे अत्रे राखवामां आवेल छे अने बाकीना तमाम मुसाफरोने जे ते गाममां प्राथमिक शाळामां राखवामां आवेल छे।